फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जी आज जम्मू पहुंची और जब वो जम्मू पहुंची तो आज दृश्य कुछ इस तरह के थे कि जो पहले सिक्योरिटी हुआ करती थी आज वो सिक्योरिटी उस हिसाब की नहीं देखी गई क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से जो है सिक्योरिटी वापिस ले ली गई है उनका जो पूरा कैवलकेड होता था सिक्योरिटी का अब वो नहीं रहा अब सिर्फ एक जैमर गाड़ी और एक सिक्योरिटी की गाड़ी है जिसके अंदर कुछ उनके बॉडीगार्ड्स रहेंगे लेकिन जो बाकी एस जितनी भी सिक्योरिटी होती थी वो सब की सब जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से ले ली गई है तो आज बिना सिक्योरिटी के महबूबा मुफ्ती जी जम्मू पहुंची और जम्मू में उनका लगभग छः से सात दिनों के अलग अलग कार्यक्रम है जिसके अंदर मुख्यतः जो अपर रूपनगर में गुज्जर समुदाय के जो लगभग चालीस फैमिलीज़ को बेघर किया हुआ है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका वहाँ का दौरा रहेगा कि वहाँ पहुँच मैडम महबूबा मुफ्ती क्या बात करती हैं लेकिन जो एक बड़ी बात चल रही थी कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी वापस लेने की तो वो आज दृश्य देखने को मिली आज जो है महबूबा मुफ्ती जब यहाँ आते हैं तो वो पहला पहले वाला ठाठ बाट वो पहले वाली सिक्योरिटी नहीं रही और शायद ये चीज़ पहले भी हो जानी चाहिए थी लेकिन अब चलिए तीन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं लगातार सिक्योरिटी के खिलाफ बोलना देश की पुलिस के खिलाफ बोलना ये इनका चलता रहता था जिसके बाद अब आज भारत सरकार ने उनसे जो है जो एक स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती थी उसे छीन लिया गया है धन्यवाद राम राम